अभी चुनाव का समय है तो मेरी विधानसभा में बहुत कंपटीशन चल रहा, प्रकाश जी पूरे नेता भाग रहे, तो उनके चक्कर में मुझे भी भागना पड़ रहा। तो जितने भी जागरण कार्यक्रम थे आज तकरीबन 13 कार्यक्रम मेरी विधानसभा में थे, तो गज्जू भाई को बोला पहले वो पूरे अटेंड करके यहाँ पे मैं अच्छा समय दूंगा, क्योंकि ये वो स्थान है जैसे आई माता गौशाला नवयुग मंडल के तत्वाधान में कई वर्षों से यहाँ पर जागरण कार्यक्रम होता है और उतनी दूर से हम आते हैं, आप सबके दर्शन करते हैं, गौ माँ के दर्शन करते हैं, ये बहुत ही पुण्य क्षेत्र है और इतने सुंदर कार्यक्रम में प्रकाश जी अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं। मैं पूरे भाग्यनगर के नौजवानों से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो आपने समय लेकर यहाँ पर पधारे हैं। और साथ ही साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता गौ भक्त शायद मेरी प्रतीक्षा करके चले गए बेचारे। और प्रकाश जी आने वाले समय में आपके कार्यक्रम यहाँ पर हम बहुत लेना चाहेंगे, आप जितने हो सके उतने कार्यक्रम अगर भाग्यनगर के लिए देंगे, क्योंकि आपकी और हमारी और इनकी भावना में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे और धर्म सुरक्षित रहे और गाय बचे, और यही संकल्प है हम सब का। और तेलंगाना में जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए देश के लिए प्राणों का बलिदान दिया, हम चाहेंगे कि हर वो नौजवान महाराणा प्रताप जैसा योद्धा बने। तो आप और हम सब मिलकर ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो समय पर एक अकबर था, आज हमें हर गली में अकबर जैसी नाजायज औलादे हमें देखने को मिलेंगी। वो समय पर एक अकबर था और एक महाराणा प्रताप था, लेकिन आज आपको पता है कि कितने अकबर पैदा हो गए यहाँ पर, बहुत सारे अकबर। और जब भी प्रकाश जी जब अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप खड़े थे तो हमारे हिंदू राजा अकबर के तलवे चाट रहे थे, सो आज भी हमारे हिंदू ऐसे अकबरों के तलवे चाटते बैठे हैं। और आज की लेटेस्ट न्यूज है प्रकाश जी कि चाहे कुछ भी हो जाए राजा सिंह को हराना है, राजा सिंह को चुनाव में हराना है, और तकरीबन आज की रिपोर्ट है 118 केसेस मेरे ऊपर बुक है कि आज ही रिपोर्ट आ गई। मैंने आरटीआई में पूछा था कि भैया मेरे ऊपर आखिर कितने मेडल लगे हैं, तो वो आया आज रिपोर्ट तो 118 केसेस। तभी तेलंगाना का मुख्यमंत्री एवं एमआईएम सब लोग प्लान करे कि इसको चुनाव में हराएंगे और हराने के बाद में इसको पीडी एक्ट जैसे गुंडा एक्ट होता है एक साल के लिए जेल के अंदर यानी तो एक साल दो साल के लिए तेलंगाना से बाहर, तो ऐसी बहुत बड़ी रचना बनाई बैठी है। और उनको सहयोग के लिए हमारे खुद के भी लोग खड़े हुए आज। सो गौ माता का आशीर्वाद है, संघर्ष कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद और प्रकाश जी आपका भी आशीर्वाद। और मुझे विश्वास है क्योंकि हमने राजनीति में हो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, जब से हमने राजनीति पे पैर रखा है कभी पार्टी का झंडा नहीं सिर्फ भगवा झंडा पकड़कर हमने आगे बढ़ा है, और तब से हम राजनीति में तब से लेकर आज तक कई गौ माँ की रक्षा हुई, यानी वो सौभाग्य हमें मिला। हर किसी को भाग्य में गौ रक्षा का कार्य नहीं आता, हर कोई गौ सेवा कर सकता है, कहीं पर भी गौशाला जा सकते हैं हम, 10 रुपए 100 रुपए 1000 की गौ सेवा कर सकते हैं, लेकिन गौ रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। सो गौ रक्षा का सौभाग्य हमें मिला, मैं तो समझता हूँ ये जीवन मेरा धन्य हो गया प्रकाश जी, उतना मुझे गर्व होता है कि ये बकरीद में एक भी गाय हमने कटने नहीं दी, एक भी गाय, इतना भय उन अकबरों के मन में पैदा हुआ, ये सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है और जितना हम संगठन बनाकर आगे बढ़ेंगे उतनी हमारी विजय होगी, उतनी हमारी विजय होगी। और मैं फिर से एक बार आप सबसे क्षमा चाहूंगा देरी आने के लिए, और प्रकाश जी से भी मैं क्षमा चाहूंगा देरी आने के लिए, और जो मुझे अमूल्य समय दिया गया इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।